नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई और एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ सीजन की पहली धान की हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सोनालिका DI-42RX का परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये अभी लगा है सुरजीत के थ्रेसर में, 4 फैन थ्रेसर है दोस्तों। और धान जो है पूरा गीला है, आपको दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा गीला धान है, क्योंकि अभी अभी ही बारिश हुई थी और फरवरी में ये हार्वेस्ट करना पड़ रहा है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, सुरजीत का थ्रेसर है 4 फैन का। और देख सकते हैं यहाँ से धान साफ करके पीछे जाता है यहाँ से, और ऊपर से जो है धान डाला जाता है। और ट्रैक्टर के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, ये है अलिका का DI-42RX। दोस्तों, ये 42 HP का ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर के साथ। और दोस्तों, परफॉर्मेंस जो है इसका बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। इसका डीजल एवरेज मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो है कितने RPM में ये ट्रैक्टर चल रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव। दोस्तों, ये है अभी दोस्तों, इसे 1200 से 1300 में सेट किए थे, यह 50 RPM ड्रॉप करके चल रहा है, क्योंकि धान पूरा गीला है और ट्रैक्टर पे भी थोड़ा थोड़ा लोड पड़ रहा है। इसमें ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है, धान की गलती है, क्योंकि वो गीला है धान है। और आप देख सकते हैं यहाँ से सापड़ से ये जो ट्रैक्टर है ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है जो धान का पुआर रहता है वो यहाँ से निकल रहा है, धान का कचरा। तो दोस्तों, ट्रैक्टर तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 3 सिलेंडर के साथ है। और एवरेज भी दोस्तों इसका बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इसके एवरेज की बात करें तो ये पी रहा है 4 से 4.5 लीटर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, ये था आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।